फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल डाबी। दिस इज अवर लीगल डिस्क्लेमर, कृपया एक बार पढ़ लीजिए इसे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशन। होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉयड द एपिसोड्स ऑन द कोरोना एंड द कोविड 19 सीरीज एंड द एपिसोड्स ऑफ द कॉन्सेप्ट सीरीज एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन इट्स फ्री सिंपल एंड द फ्री ऑफ कॉस्ट येट वेरी पावरफुल लॉजिकल टेक्निक्स फॉर योर ओन बेनिफिट। वेलकम इन द कॉन्सेप्ट सीरीज, वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड। दिस इज द समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो कि हम जो पुराने कॉन्सेप्ट सीरीज के जो एपिसोड्स होते हैं उसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको इसका पल्लवन चाहिए, यदि आपको इनका विस्तार चाहिए, तो आप उनके एपिसोड्स को देख सकते हैं। परंतु नटशेल ये कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं। फोकस ऑन एनीथिंग इट विल एक्टिवेट, रिमूव द फोकस फ्रॉम एनीथिंग इट विल लूज इट्स पावर, फोकस ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ द ह्यूमन, डी फोकस ऑन द डिसिमिलरिटीज ऑफ द ह्यूमन, टेक द 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू अवर ओन वर्क, अवर ओन लाइफ एंड अवर ओन एग्जिस्टेंस, प्रोवाइड द हक से जीने का हक टू ऑल द प्लैनेट मेंबर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, ट्रीज, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। लॉ ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट इज इनएविटेबल, कर्म का सिद्धांत अटल है फॉर ऑल द एग्जिस्टेंस, जो भी है दुनिया में सभी के लिए कर्म का सिद्धांत अत्यंत अटल है। बी द चेंज विच यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, फर्स्ट बी कैपेबल, देन ओनली एबिलिटी टू हेल्प विल कम। ह्यूमन्स एग्जिस्टेंस इज इन द लेड पोजिशन, वी ऑल द ह्यूमन्स आर इक्विप्ड विद वन बॉडी वन माइंड वन हार्ट एंड वन सोल। हम सभी के अंदर बिल्कुल एक सेम मशीन है, और इजी नोमेनक्लेचर करने के लिए, एक आसान नामकरण करने के लिए हमने इसको बोला है L0 मतलब कोई भी मेटेरियल आउटसाइड आवर बॉडी, L1 हमारा जो फिजिकल बॉडी होता है वो, L3 हमारा ब्रेन दिमाग, भले लेफ्ट हो चाहे राइट वाला ब्रेन हो, L6 अवर हार्ट, L7 अवर सोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोल, ट्रांसपेरेंट और द वैक्यूम टाइप सम मटेरियल इज देयर या नो मटेरियल इज देयर। ओके, और यदि हम एक बार पुनः उसको चर्चा करते हैं तो L1 से L7 ये मेरे अंदर उपलब्ध है। L1 मेरे अंदर है, बॉडी मेरा है, माइंड मेरा है, हार्ट मेरे अंदर है, सोल या आत्मा मेरे अंदर है। ओके, L0 जो भी चीज बाहर के अंदर है, जो मेरी बॉडी नहीं है परंतु मेटेरियल है, भूत पदार्थ, जड़ पदार्थ, नॉन चेतन पदार्थ, मेटेरियलिस्टिक, धन, कार, RFID, फिटबिट का बेल्ट, एप्पल का वॉच, योर मोन मोबाइल, जो भी चीज आप जानते सब कुछ है, समझ ही गए होंगे, जो चीज आपकी बॉडी के बाहर है दैट इज द L0। और सिमिलरली जो भी पर है या कोई जो अदर या जो अगला आदमी है, दूसरा आदमी है, उसके अंदर भी L1 to L7 पूरी लेयर्स अवेलेबल है। हमें उन सबका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। डिस्कस हम कर चुके हैं इसके बारे में, रिकैप कर लेते हैं। L0 एनी मटेरियल आउटसाइड अवर बॉडी, L1 अवर बॉडी, L3 अवर ब्रेन, L6 अवर हार्ट, L7 अवर सोल। ओके, पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाई आई एम स्किपिंग नंबर्स लाइक L2, L4, L5 मैंने क्यों नहीं काम में लिया। 1 के बाद में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, देन ओनली। मैं बात कर रहा हूं L0, L1, L2 खा गया, L3 का बात किया, L4 खा गया, L5 खा गया, L6 के बारे में बात किया, L7 के बारे में बात किया। ओके, पहला चीज मैंने आपसे क्लियरली बोला था, हमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं बढ़ाने का है, धीरे धीरे करके सिंप्लिसिटी की तरफ में हमें डीपर जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट होता है उसको जानना है और हमारी अपनी जिंदगी को समृद्ध या उन्नत बनाने का है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग मेरा पहला उद्देश्य है। लेयर्स आर इन द कंटिन्यूटी, L0 के बाद में L1, L2, L3, L4 ही होगा, परंतु हर चीज के बारे में जानना इतना आवश्यक नहीं है। L2 के बारे में हम बहुत ज्यादा उस स्टेप को ज्यादा तवज्जो हम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि L1 के बारे में बात करते हैं, L3 के बारे में हम बात करें तो मोर और लेस उनके बारे में भी बात हो ही जाएगा, दोनों को सबको एक ही प्रिंसिपल लगभग रेगुलेट करेगा। बट लेस आर इन द कंटिन्यूटी, एक सार एक अस्तित्व होता है, यूनिफॉर्म जैसा होता है, एक स्टेप राइज होता है, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं उस तरीके से नहीं हो, परंतु एक ग्रेजुअल इंक्रीज या यूनिफॉर्म राइज इसके अंदर होता है, देयर इज नो सडन चेंजेस एट ऑल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी आधुनिक मनुष्य हैं, देयर इज डिजिटल वर्ल्ड ऑफ द बाइनरी इनपुट्स लाइक 0 और 1, परंतु डियर फ्रेंड्स 0 और 1 का अस्तित्व है, परंतु व्हाट अबाउट द 0.1, व्हाट अबाउट द 0.6, व्हाट अबाउट द 0.9। दैट्स व्हाई
एक डिजिटल वर्ल्ड से भी ज्यादा एडवांस एक वर्ल्ड है, दैट इज द फजी लॉजिक। और हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस होता है वो फजी लॉजिक है, जो कंटिन्यूटी के ऊपर ही बात करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फजी लॉजिक? जो भी आपने शुरुआत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ काम में लिया होगा, एलेक्जा आपको कैसे समझता है, जो भी आपका गूगल असिस्टेंस आपको कैसे करता है, गूगल का एल्गोरिदम कैसा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो सिक्स्थ सेंस है, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, जो जिसका अपना खुद का दिमाग होता है, माइक्रोचिप होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो सारी जो चीजें होती है वो फजी लॉजिक के ऊपर काम करती है। यानी द वर्ल्ड बियॉन्ड द डिजिटल वर्ल्ड इज द फजी लॉजिक, जिसके अंदर कंटिन्यूटी का सम्मान करना होता है। और हमारा जो लाइफ होता है वो भी स्टेप वाइज नहीं है कि हार्ट हो गया, माइंड हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा एक कंटिन्यूटी है बॉडी टू सोल के बीच में, परफेक्ट कंटिन्यूटी है। केवल एक ईज या सरलता के लिए हमने इनको लेयर्स का नाम एक दे दिया है, परंतु बाकी 100% देयर इज ए कंटिन्यूटी इज देयर। द रियल वर्ल्ड इज फजी लॉजिक, एक सार है, एक अस्तित्व है, नो सडन राइज इज देयर एंड द यूनिफॉर्म लेयर्स आर देयर। लेयर्स की प्रकृति के बारे में हम बात करना चाहेंगे। ऑल द लेयर्स L1 टू L7, रिपीटिंग में L0 के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। धन संपदा क्या होती है आप सब कुछ जानते हैं, एक पर्टिकुलर एपिसोड होगा अगला, उसके अंदर लगभग हम सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द L0, ठीक है। परंतु L1 से L7 मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो चीज है जिससे कि हम अपना जीवन को उन्नति दे पाएंगे, या जो भारत रामराज्य बनने वाला है, या यूटोपिया आने वाला है, या विकसित भारत बनने वाला है, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने के ऊपर बेस्ड है। ऑल द लेयर्स L1 टू L7 आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये जितनी भी लेयर्स होती है वो सारे के सारे एक दूसरे से मिली हुई है, जस्ट लाइक द गियर सिस्टम। जैसे होता है जो गियर सिस्टम होता है, फर्स्ट गियर में गाड़ी लिया, सेकंड गियर में लिया, थर्ड में लिया, फोर्थ में लिया, उसी तरीके से, लेकिन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली हमारा जो बॉडी होता है L1 इज कनेक्टेड टू द माइंड और ब्रेन। जो बॉडी के अंदर मैं कुछ खाना पीना करता हूँ माइंड को मिलता है, माइंड कुछ सोचता है उसका बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। सिमिलरली माइंड ऑफ द ब्रेन, जो हम L3 बोल रहे हैं, इज कनेक्टेड टू द हार्ट एंड एफेक्ट म्यूचुअली। यानी जो दिमाग होता है, जो विचार दिमाग के अंदर होंगे वो मेरे दिल की भावनाओं के ऊपर असर करेंगे। जो दिल होगा वो हृदय को पंप करेगा, हृदय की जो भावनाएं होगी वो मेरे दिमाग को पूरी तरीके से असर करने वाली है। ये दोनों जो ऑर्गन जो हम बोल रहे हैं L3 और L6, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली प्रभावित करते हैं। किसी काम में दिल ना लगे तो दिमाग चलना भी लगभग मुश्किल है, ठीक है। इन नटशेल ह्यूमन इज द 7 गियर मशीन सिस्टम। यदि हम अगर मशीन की भाषा में बात करें तो जो आदमी है वो एक 7 गियर का मशीन हम उसको मान सकते हैं, ठीक है। विच गियर इज टू बी यूज, आपको L1 बॉडी को काम में लेने का है, L3 दिमाग को काम में लेने का, दिमाग से विचार करने का है, या हार्ट को काम में लेने का है, भावनाओं को काम में लेने का है, कौन सा गियर आपको काम में लेने का है आपको डिसाइड करने का है। यू आर द ओनली डिसीजन मेकर फॉर योर ओन लाइफ। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं। जो भी आप काम कर सकते हैं, शायद भगवान भी उतना मदद नहीं कर पाएंगे जितना कि आप अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे। इन नटशेल ह्यूमन इज द 7 गियर मशीन सिस्टम, विच गियर इज टू बी यूज डिपेंड ऑन द फ्रीडम ऑफ विल ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन। परफेक्टली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा आप कौन सा गियर काम में ले रहे हैं, या फ्रीडम ऑफ विल के ऊपर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यदि हम डीपर कॉन्सेप्ट की बात करें, अभी हम बात कर रहे थे विज्ञान की, सरलता की, परंतु गीता का भगवान कृष्ण ने इन्हीं तर्कों को बोला था, आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद के अंदर ये आया था। भगवान कृष्ण ने भी गीता के अंदर लगभग इसी तरीके से अर्जुन जी को समझाया था, इस जीवात्मा को या L7 को तुम रथी मानो, रथ का स्वामी मानो, समझो, शरीर को उसका रथ मानो, बुद्धि को सारथी मानो, रथ को हांकने वाला, और मन को लगाम समझिए। लगाम यानी इंद्रियों को नियंत्रण करने हेतु। ये जो इतना स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम L1 L3 L7 की भाषा में अगर बात करें, जो कि ईजी है, यानी जो इतने बड़ा बड़ा संस्कृत लिखा हुआ है उससे तो नो डाउट ईजी होगा, मुझे ऐसा विश्वास है, और कन्विंस हुआ है कि नहीं ये आप कमेंट में लिख के बता ही सकते हैं। तो L1 अगर मैं ये घोड़े को अगर मान लेता हूँ L1 को, जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं,
L3 हमारे मन को अगर मान लेता हूं, और जो डीपर लेयर L7 है उसको मैं रथी या सोल या आत्मा अगर उसके बारे में मान लेता हूं, तो मेरा ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो गीताकार की शब्द या जो कठोपनिषद है या जो उपनिषद भारतीय है उसके अंदर भी यूजफुल होने का प्रयास करता है। और यदि हम आधुनिक बनना प्रयास करें तो रथ का जमाना चला गया मेरे मित्रों, तो अभी बचा क्या है। अगर हम कार की बात करते हैं तो राइट द L1 कार बॉडी, अगर कार की जो बॉडी होती है अगर हम उसको L1 बोल देते हैं या शरीर बोल देते हैं, एक्सेलेट विद द L3 माइंड पावर, यानी जो हमारे विचार होंगे एक्सेलेशन जो देना है वो हमें अपना दिमाग की शक्ति, जो मनोबल होता है दिमाग की शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति, उससे हम अपना जीवन को एक्सेलेशन दे सकते हैं। परंतु एक्सेलेशन एक गलत दिशा में चला जाए तो कैसा रहेगा। अगर मैं कार चला रहा हूं परंतु गलत डायरेक्शन में चला रहा हूं, यूजलेस, कोई मतलब नहीं उस चीज का। दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो L6 या जो हृदय की भावनाएं होगी, सात्विक, पवित्र, सफेद है या काला है, गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तो एक्सेलेशन दिमाग ने दे दिया, परंतु डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द हार्ट एंड एंजॉय द राइड बाय द ओनर। और L7 जो आत्मानंद जो रथी है, ओनर है, वो एक बढ़िया सी लग्जरी सीट के ऊपर ऐश करेगा, एंजॉय करेगा। डीपर कॉन्सेप्ट विल बी आफ्टरवर्ड्स। व्हाई सो मच शोई कंपैरिजन इन द एपिसोड्स, इतना ज्यादा उपमा अलंकार काम में क्यों ले रहा हूं मैं, कभी रथ की बात कर रहा हूं कभी कार की बात कर रहा हूं, क्या चक्कर है मेरे मित्रों। यानी शब्द में सीधे सीधे काम में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्यों मैं इतना ज्यादा उपमा अलंकार काम में ले रहा हूं। यस, देयर इज आंसर रिटन हियर। शब्द हमेशा अपूर्ण है, हर शब्द के विपरीत शब्द संभव है। ऐसा दुनिया के अंदर पूरे ब्रह्मांड में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका कि विपरीत नहीं सोचा जा सकते। मैं कहता हूं भगवान है, आप कहेंगे नहीं है, प्रूव करके दिखाओ। मैं कहूंगा कुछ है, आप कहोगे उसका विपरीत बोल सकते हैं। यानी हर शब्द के विपरीत कुछ अवेलेबल है। दैट्स वाई वी यूज द एग्जाम्पल टू ग्रेस्प एंड डाइजेस्ट द आइडिया। कोई आइडिया आपके समक्ष अगर मैं पेश कर रहा हूं, अगर वो आपको समझ में नहीं आया या अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसका कोई मूल्य नहीं है, शायद आई विल बी द फेल्योर। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को देखिए, 15 या 20 मिनट के कॉन्सेप्ट अगर आप दो चार बार देख भी लेंगे अगर समझने के लिए, तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ रहा है। इनसे आप वो मिरेकल्स करने वाले, वो रहस्य उद्घाटन होने वाले हैं कि अभी मैं शब्दों में आपको नहीं बता पाऊंगा। जो एपिसोड होंगे वही मेरी भाषा को, मेरे ज्ञान को या मेरी विद्या को या मेरी भावना को अभिव्यक्त करने वाले हैं। बाकी आई एम ए वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, हेंस वी कैन फर्दर डिस्कस एनीथिंग इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द एम्बिग्युटी। यदि आपके मन में किसी भी तरीके की एम्बिग्युटी होती है तो आप चर्चा कर सकते हैं मुझसे पर्सनली चर्चा में। हमेशा अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे के रखा है आपको, या कॉन्टैक्ट ईमेल दिया है, आप चर्चा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, जो भारत के अंदर षड दर्शन माने जाते हैं, छह अलग अलग दर्शन के सिद्धांत हैं, हम ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले, बोर नहीं करूंगा मैं आपको उस चीजों में। परंतु अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, खुद को ज्ञान अगर करना है तो केवल तीन तर्क काफी है। ओके, कौन से तीन तर्क मैं नहीं बता पाऊंगा अभी आपको, वरना बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे को समझाने वाला हूं तो नो डाउट मुझे पांच तर्कों की आवश्यकता होगी, ऐसा न्याय दर्शन बोलता है। इसका मतलब है 66% मोर एफर्ट टू लेट अदर अंडरस्टैंड। यदि मैं किसी चीज को समझ गया हूं परंतु मुझे आपको अगर समझाने का है तो मुझे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना होगा, बहुत ही ज्यादा विस्तार से बताना होगा, मुझे सीधे फॉर्मूला से ऊपर नहीं। मैंने पहले आपको बताया था गणित का जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। शायद बोरिंग होगा लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल, अत्यंत आवश्यक है ये चीज। तो इसीलिए हमारी गाड़ी थोड़ा सा धीरे धीरे करके, खरामा खरामा करके आगे बढ़ेगी, स्पेशली इन द कॉन्सेप्ट सीरीज। ऑल्दो टेस्टिंग ऑफ द वन ऑफ द रसगुल्ला इज बेटर देन द नोइंग 100,000 एट्रीब्यूट्स ऑफ द रसगुल्ला। यानी जो अगर आप रसगुल्ला ही खा लेते हैं वो ज्यादा आपके जीवन में बेहतर है, उसका वो जो अनुभव होता है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, बनिस्पत की आप रसगुल्ला या जो गुलाब जामुन है उसके हजारों गुणों के बारे में जानते हैं। भूरे रंग का गुलाब जामुन होता है, मीठा होता है, गोल होता है, व्हाट द मीनिंग। अगर किसी आदमी ने एक रसगुल्ला खा लिया, एक गुलाब जामुन खा लिया, वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है इन कंपेरिजन टू आप हजार गुण उसके बारे में जानते हैं। गुणों को जानने दिमाग का काम होता है, दिमाग से ऊपर होता है हार्ट, उसने अनुभव ले लिया है वो उसके लिए ज्यादा काफी है। दैट्स व्हाई जीवन में जो भी हमें सत्य है, आपने कोरोना सीरीज अगर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने एनर्जी की बात किया था, और शायद एपिसोड नंबर 3rd या 4th में बोला था ऊर्जा को अनुभव किया कि नहीं किया। क्यों, अगर आपने ऊर्जा को अनुभव नहीं किया, अगर आपने मैंने कुछ बोला और आपने काम उसके ऊपर नहीं किया,
यूजलेस, केवल एक नया एपिसोड है, आपको कोई मतलब नहीं है कि अरबों एपिसोड है यार, गाने देखिए, पिक्चर देखिए, कुछ और देख लीजिए, ठीक है। तो दार्शनिक जो अनंत चर्चा होता है उसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि आपने अनुभव नहीं किया है, ओके। दीज एपिसोड्स आर टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड फॉर यूजिंग इट इन द डेली लाइफ, अवर ओन लाइफ। हम भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट न रहें, हम शक्तिशाली लोगों के ऊपर, गुरु सत्ताओं के ऊपर, भगवान देगा, देवता देगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर न रहें। नो डाउट भक्ति ये बहुत ही ग्रेट पथ है, परंतु अर्जुन की तरह सशक्त बनना भी जरूरी है, जिससे कि भगवान हमारे ऊपर, हमारी क्षमताओं के ऊपर, हमारी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा कर पाए। हमें अपने आप को कैपेबल बनाने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगला कॉन्सेप्ट, ऑल द लेयर्स L0 टू L7 अफेक्ट हैवीली टू ईच अदर म्यूचुअली। क्लियर कट बता रहा हूँ फिर से, ऑल लेयर्स, जितने भी L1 से L7 तक की जो लेयर्स होती है, ये एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्ट करती है, और दोनों तरफ इसका हो सकता है, यानी जो डाउनवर्ड लेयर जो होती है, यानी लोअर लेयर्स जो होगी वो हायर लेयर्स को अफेक्ट कर सकती है, हायर लेयर्स कैन अफेक्ट द लोअर लेयर्स, ठीक है। यानी L0 L1 कैन अफेक्ट द L6 L7, L6 L7 कैन इफेक्ट द L0 L1, यानी शरीर, ठीक है। तो आपको इसको, ये दो लाइन को थोड़ा पढ़ने का प्रयास ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिए। ऑल लेयर्स अफेक्ट हैवीली टू ईच अदर, कोई भी ऊपर से नीचे तक वो एक दूसरे को इफेक्ट कर सकती है। इफेक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छे तरीके से भी इफेक्ट डाल सकती है, बुरे तरीके से भी इफेक्ट डाल सकती है, ऊपर वाली नीचे के ऊपर भी इफेक्ट कर सकती है, नीचे की लेयर ऊपर को भी इफेक्ट कर सकती है। और अगर हम एग्जांपल या थोड़ा एलिब्रेशन अगर हम करते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो L0 हमने बोल रहे हैं, इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। अगर आप एक गंदे संदे से एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका जो शरीर है अच्छा स्वस्थ नहीं रह पाएगा, स्वस्थ अगर शरीर नहीं रहेगा, दिमाग आपका अच्छा नहीं रहेगा, और हेल्दी माइंड इज इन द हेल्दी बॉडी। इंग्लिश ने भी मुझे प्रूव कर दिया है कि आई एम गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। अगर मेरे हृदय ठीक नहीं है, अगर मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई द सराउंडिंग एनवायरनमेंट L0 अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, L1 बॉडी, L1 कैन ऑल्सो अफेक्ट द सराउंडिंग। सिमिलरली बॉडी L1 अफेक्ट द ह्यूमन ब्रेन L3 एंड द ह्यूमन ब्रेन L3 कैन अफेक्ट द बॉडी। जो दिमाग होता है वो शरीर पे इफेक्ट डाल सकता है, शरीर दिमाग पे इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, एक इसमें एक सब कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जंप्स ऑफ द लेयर इज पॉसिबल। अगर कोई ये सोचे कि L0 के बाद में L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा, L4 होगा, L5, नो, जंप्स ऑफ द लेयर इज ऑल्सो पॉसिबल। लाइक हार्ट जो होता है L6, उसकी जो फीलिंग होती है, उसके जो इमोशंस होते हैं, दैट कैन डायरेक्टली अफेक्ट द बॉडी। यानी मेरे जो दिल होता है वो दिमाग को बाईपास करके मेरे शरीर पे इम्पैक्ट डाल सकता है। यदि मेरे हृदय के अंदर शोक है, उदासी है, मेरा शरीर भी वैसा ही हो जाने वाला है। और यदि मेरे हृदय के अंदर उत्साह है, बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, मेरा शरीर भी एकदम भागते दौड़ते एनर्जेटिक सा फील करना शुरू कर देगा। इसके लिए मुझे दिमाग का काम में लेने का आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है लेयर्स एक दूसरे को जंप भी कर सकती है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, डीपर लेयर्स आर मोर पावरफुल देन लोअर लेयर्स, ठीक है। इसको अगर हम पल्लवन करते हैं, विस्तार करते हैं, आदमी का बॉडी सराउंडिंग से ज्यादा पावरफुल है, दिमाग L3 मेरे शरीर से ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरे अंदर मनोबल है, शरीर के रोग मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकते। L6 जो हार्ट होता है, दैट इज मोर पावरफुल देन द माइंड। शायद ये कुछ एक क्या बोलते हैं, दार्शनिक चर्चा इसके ऊपर काफी ज्यादा हो सकता है कि दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एज पर स्पिरिचुअलिज्म L6 और हृदय की भावनाएं दिमाग या L3 से ज्यादा हायर है, ज्यादा तवज्जो रखती है, हृदय का साफ होना ज्यादा उचित है बनिस्पत की मेरे अंदर लाखों विचार आए, करोड़ों विचार आए, अरबों विचार आए। तो L6 इज मोर पावरफुल देन द L3। और जो L7 होता है, जो कि नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, वैक्यूम टाइप है, ना कुछ है, नो मटेरियल है, दैट इज मोर पावरफुल देन द L6 और द जो हार्ट होता है, उससे भी
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पावरफुल है हमारी आत्मा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट द पावर, पावर किसे बोल रहा हूं मैं, पावर है या एनर्जी है या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है या जो चाइना की ची एनर्जी है या प्राण ऊर्जा है, ट्रांसफर होता है इन बिटवीन द लेयर्स, यानी ये जो पूरा सिस्टम आपका बना हुआ है L1 से लेकर L7 तक का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, शरीर, हृदय, मन और आत्मा, इसके बीच में ऊर्जा जो होती है वो इधर से उधर जा रही है, क्लियर। तो जो प्राण ऊर्जा होती है वो शरीर में भी रह सकती है, सोल में भी रह सकती है, कुछ प्राण एनर्जी दिमाग में भी रह सकती है, हार्ट में भी रह सकती है, सभी के अंदर जो गियर के है उसके अंदर एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर चल रहा है और वो अनवरत रिएक्शन चल रही है, आपको पता नहीं पड़ रहा है। किसी का दिमाग ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, किसी का हार्ट ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, कोई महात्मा या महाआत्मा हो रहा है, कोई मनोबल बहुत ज्यादा किसी का हो रहा है, महामना हो रहा है, किसी का हृदय पवित्र हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो फ्लो ऑफ द एनर्जी है दोनों तरफ जा सकती है और हर जो पूरा मेरा सिस्टम होता है L1 से लेकर L7 तक, इसके अंदर प्राण ऊर्जा भरी हुई है। कौन से गियर में ऊर्जा है ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी होगा सॉरी दिल वाला आदमी होता है, इसका मतलब उसका हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। विचारक होगा, दार्शनिक होगा, उसका दिमाग बहुत ज्यादा है, प्राण ऊर्जा सारी यहां से यहां तक ही रहने वाली, यानी दिमाग वाला पोर्शन में ज्यादा रहेगा। बॉडी बिल्डिंग हम जिम के अंदर कर रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन आदमियों का शरीर जीवी होंगे या शरीर उनके लिए बहुत ज्यादा तवज्जो रखेगा, ऊर्जा का मैक्सिमम पोर्शन उनका शरीर खत्म करेगा, ठीक है। तो फ्लो कहीं से भी हो सकता है, प्राण या प्राण ऊर्जा सारी लेयर्स के अंदर रहती है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है, यानी बॉडी टू माइंड फ्लो हो सकता है, माइंड टू बॉडी फ्लो भी हो सकता है, माइंड टू हार्ट फ्लो हो सकता है, हार्ट टू माइंड भी फ्लो हो सकता है, हार्ट टू सोल फ्लो हो सकता है, तो सोल टू हार्ट भी फ्लो हो सकता है। थोड़ा सा टफ की तरफ हम जा रहे हैं, परंतु एक बार इन लेयर्स के बारे में समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट से एक बार समझ लेते हैं, जिंदगी बहुत आसान हो जाने वाली है मेरे मित्रों। ना डॉक्टर के पास जाने का है बहुत ज्यादा, जब इमरजेंसी में तो जाना पड़ेगा, हड्डी टूट जाती जाना ही पड़ेगा, परंतु बहुत सारी चीजों को आप खुद कर पाएंगे, जीवन के रहस्यों को समझ पाएंगे। और बिलीव मी, भले कबीरदास जी हो चाहे कोई भी हो, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन दिमाग, दिमाग के अनुसार न चले, मन की मत तो हजारों हैं, अनंत है, लाखों हैं, करोड़ों हैं, सबके ऊपर करेंगे आई विल बी इन द डायलमा कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, मन के ऊपर जो लेयर्स है, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। इसका मतलब है भारत के अंदर बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो कि इन कॉन्सेप्ट के द्वारा समझे जा सकते हैं। हम कवियों के ऊपर बात करेंगे, दार्शनिकों के ऊपर बात करेंगे, धीरे धीरे, हौले हौले, ठीक है। हायर लेयर्स आर इंपॉर्टेंट देन द लोअर लेयर्स, ऑल्दो ऑल आर इंपॉर्टेंट, सभी से भी लेयर, शरीर भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग भी इंपॉर्टेंट है, हार्ट भी इंपॉर्टेंट है, आत्मा जो नहीं दिखती वो भी इंपॉर्टेंट है, परंतु फिर भी हायर लेयर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द लोअर लेयर्स। दिमाग बचाना हो, शरीर नुकसान हो जाए, नो प्रॉब्लम, शरीर आपका बचा रह जाए, धन संपदा चली जाए, नो प्रॉब्लम, फिर से कमा लूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हृदय की पवित्रता बनी रह जाए, दिमाग चले नहीं चले, नो प्रॉब्लम, महात्मा बन जाऊं, L7 को मैं बहुत ज्यादा समृद्ध कर लूं, जैसे रमण महर्षि बोलते नहीं थे, हृदय की भावना अत्यंत पवित्र थी, वो एक महात्मा थे। L7 इज, अगर मैंने L7 के ऊपर काम कर लिया, महात्मा सच्चा महात्मा बन गया, नहीं जरूरत है आपके दिमाग सॉरी विचार की, दिमाग की नहीं जरूरत है, क्यों इतना विचार करने का, जिंदगी आनंद ब्लिस L7 वाले में ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके हम डीपर में जाएंगे। प्रिजर्व द हायर लेयर्स, इनर लेयर्स आर ओनर, मालिक और स्वामी, डोंट लूज द हायर लेयर्स फॉर द लोअर लेयर्स। थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़िएगा। प्रिजर्व द हायर लेयर्स, जो हमारी हायर लेयर्स है या जो इनर लेयर्स है वो हमारी मालिक है या स्वामी है, कंपेरेटिवली दिमाग शरीर का स्वामी है, हृदय दिमाग का स्वामी है, आत्मा हार्ट का भी स्वामी है, ओके।
डोंट लूज द हायर लेयर्स फॉर द लोअर लेयर्स. बॉडी L1 कैन बी कॉम्प्रोमाइज फॉर द L3. राजस्थान के अंदर अगर कोई वीर या रण बांकुरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एक संकल्प के लिए जान दे देने वाले वीर भी थे. इसका मतलब क्या, संकल्प मेरा दिमाग करता है, विचार है एक संकल्प. शरीर को लोग त्याग देते हैं युद्ध भूमि के अंदर क्योंकि वो एक विचार से प्रेरित होते हैं. केवल धड़ ऐसा माना जाता है, जो काव्य होते हैं मध्यकालीन काव्य ये बोलते हैं, केवल धड़ क्या बोलते हैं युद्ध कर रहा है और ऊपर से मेरे ये दिमाग सॉरी जो शर सॉरी सर है वो निकल गया और धड़ केवल युद्ध कर रहा है, ऐसा भी कुछ कुछ काव्यों के अंदर लिखा गया है. इसका मतलब है कि बॉडी कैन बी कॉम्प्रोमाइज फॉर द हार्ट सॉरी L3. अगर मेरा संकल्प है, संकल्प के लिए मैं अपनी बॉडी भी अगर कुर्बान करना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज बेटर. मंत्रम वा साधयामि शरीरम वा पातयामि, एक ब्राह्मण होता है वो ये बोलता है या फिर तो मंत्र को सिद्ध कर दूंगा या शरीर को मैं नाश कर दूंगा. ठीक है, तो संकल्प इज ग्रेटर देन द बॉडी. माइंड L3 कैन बी कॉम्प्रोमाइज फॉर द हार्ट L6. यदि आपकी हृदय की पवित्र भावनाएं होती है तो उसके लिए आप अपना जान तक न्यौछावर कर देते हैं. ऐसा कुछ कुछ कहानियों में अगर आपने देखा होगा कि किसी पराये के लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, देशभक्ति के लिए हम जान अपनी न्यौछावर कर देते हैं. तो एक यानी कि ऐसी भावना है जिसके लिए कि हम अपना शरीर को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं. ठीक है, तो यानी हायर लेयर्स जो है, हायर भावनाएं, हायर विचार है, उनके लिए हम अपनी लोअर लेयर्स को त्याग कर सकते हैं. दैट्स वाई एक फकीर होता है, एक महात्मा होता है जो कि दिखते हैं नहीं एक बहुत ज्यादा अमीर है, परंतु वो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा आनंद के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा सुख में होते हैं. ऑल्दो डेमोक्रेसी इज बेटर टू गेट कॉपरेशन, परंतु मेरे मित्रों भगवान का दिया हुआ शरीर भी है, भगवान का दिया हुआ माइंड भी है, भगवान का दिया हुआ हार्ट भी है. ओके, तो किसी भी लेयर का असम्मान करना गलत है. डेमोक्रेसी इसके अंदर बनाए रखिएगा, वरना शरीर परेशान करेगा, ज्यादा अच्छा नहीं सोच पाएंगे. दिमाग ने परेशान कर दिया तो आपको हृदय को पवित्र बनाने का जो एक रास्ता है उसके ऊपर आप नहीं चल पाएंगे. दैट्स वाई जितने भी हमारी लेयर्स है सबका सम्मान करना आवश्यक है, परंतु जो इनर लेयर्स होता है उनको कुछ ज्यादा ध्यान दीजिए और जो आउटर लेयर्स होता है उसको थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम ध्यान देने का है. मेरे मित्रों, हम एपिसोड के लास्ट में पहुंच गए हैं. यदि आप और हम मेहनत करेंगे फिर से हम भारत में रामराज्य या आदर्श राज्य या यूटोपिया को ला पाएंगे. नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर. कॉन्सेप्ट सीरीज विल बी कंटिन्यूड. लेयर्स का जो चैप्टर होता है वो फिनिश होता है. अगले चैप्टर के अंदर हम बॉडी के बारे में, ये ह्यूमन बॉडी के बारे में नटशेल में चर्चा करेंगे. बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जितना जरूरत होता है 25-30 मिनट में उतना हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे यदि आप समझना चाहें तो. अंततः अधर्म और धर्म के अंदर धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी. अंततः भारत विकासशील देश से पुनः विकसित भारत बनेगा. अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों को या उनके सपनों का जो भारत होता है उसको हम साकार, हमारी पीढ़ी साकार करके ही दम लेगी. भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला. कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला. आइए मित्रों, मधुशाला का आनंद उठाइए. थोड़ी सी कड़वी भी हो सकती है, थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है, परंतु मेरे मित्रों यदि आप कड़वी दवा ले सकते हैं तो ये एपिसोड भी अंततः आपके लिए अमृत साबित होने वाले हैं. If there is any kind of the questions, doubts, feedback, suggestion or the critics are there, it can be sent at www.praful@gmail.com. आप भले मुन्ना भाई MBBS हो या डॉक्टर मुन्नी बहन, आप कितने भी इलिटरेट हो या PhD होल्डर, पोस्ट डॉक होल्डर, ये जो सिद्धांत है धीरे धीरे करके आपके लिए काम आएंगे. इससे आप अपनी रिसर्च को नए आयाम दे पाएंगे. माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड हो या केमिकल का फील्ड हो, हर फील्ड को कवर किया जाएगा इन कॉन्सेप्ट के द्वारा. बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म इज वन, जड़ के ऊपर भी वही सिद्धांत काम करेंगे जो कि चेतन के ऊपर काम करते हैं. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर बंधु, डियर फ्रेंड्स. मैं आप सब में छिपे
परमात्मा को नमन करता हूँ, जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम श्री परमात्मा। I'm not going to be able to do it.